Hey guys, welcome to a new vlog. आज मेरा बर्थडे है. आई थिंक 34 फिनिश कर दिया, 35 स्टार्ट हो रहा है. तो मेरा सेलिब्रेट करने का इस बार बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि जब से इवान आया है मुझे इवान के ही सेलिब्रेशन में मजा आता है. एंड ओडिन इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, तो आई डिडंट फील अ नीड कि मुझे भी सेलिब्रेट करना चाहिए. आज मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ केक एंड ऑल, आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज टू शो यू हाउ टू मेक ऑथेंटिक सेशुआन फूड, जो मैं आपको बहुत टाइम से दिखाना चाहती थी. और मुझे पता है बहुत लोगों को इंटरेस्ट है जानना है कि मैं कैसे बनाती हूँ, जो कि ओडिन को बहुत ही पसंद है. और मैंने पता सप्लाईज ऑर्डर की थी कुछ दिन पहले, जो कि आ गई है, आज ही आई है लकीली. तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मसाले मैंने मंगाए हैं, जो कि सिचुआन कुकिंग में यूज होते हैं. चलो गाइस गार्डन में चलते हैं. तो ये गार्डन है मेरा, बहुत बारिश हो रही है आज, देखो आप. और यहाँ पे आ गए हैं मेरे मसाले. एक्चुअली एक डिब्बे में आए थे, लेकिन ओडिन ने खोल के रख दिए थे सुबह जैसे ही आए थे, देखने के लिए कि क्या है. जब भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, उसी टाइम पैकेज की डिलीवरी भी हो रही होती है, पड़ोसी भी घर से निकल जाते हैं, तो आई फील सो शाय, क्योंकि आई एम एन इंट्रोवर्ट. बट यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं ना, यहाँ लोग कभी देखते भी नहीं है कि कोई क्या कर रहा है. मुझे व्लॉगिंग करने में बहुत ऑकवर्ड फील होता है. पता है अभी क्या हुआ, मैं किचन साफ कर रही थी वीडियो से पहले, और मैं हरी मिर्च उठा के डस्टबिन में फेंक रही थी पुरानी वाली. उसके बाद मैंने अपने आंखों में हाथ लगा दिया, मेरी आंखें जल रही है बुरी तरह से. बट आई कैन टॉलरेट इट गाइज, एनीथिंग फॉर द वीडियोज. ये देखो सेशुआन ग्रीन पेपरकॉर्न, इसका अलग सा लेमन के जैसा टेस्ट होता है. सबसे कॉमनली यूज होता है सेशुआन रेड पेपरकॉर्न, जो की ये है देखो आप, लाल कलर के बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट दोनों का इसमें काफी फर्क होता है. जो ग्रीन वाला है फिश वगैरह के साथ बहुत जाता है, और ये है जो मीट वगैरह के साथ जाता है रेड वाला. साबुत धनिया के बिना कैसे रह सकते हैं, ये चाइनीज कुकिंग में भी यूज होता है. काली मिर्च हाफ के जी, हेलीकॉप्टर जा रहा है पीछे से. लौंग भी यहाँ पे सिचुआन कुकिंग में यूज होता है. बे लीव्स है जिसको हम तेज पत्ता बोलते हैं, ये यहाँ पे भी यूज होता है. इंडिया में जो भी मसाले यूज होते हैं चाइना में होते हैं, उसके ऊपर भी चाइना में और मसाले कुछ यूज होते हैं जो कि इंडिया में नहीं है. हाफ के जी से भी ज्यादा मैंने दालचीनी मंगाई है, चाइनीज दालचीनी. देखो चाइनीज बड़ी इलायची होती है, चाइनीज वाली. दैट्स इट गाइस. और अब ना मैं इसको छोटे छोटे पैकेट्स में डालूंगी, और कैसे डालूंगी वो आपने कभी देखा नहीं होगा. तो अब मैं आपको दिखाऊंगी वो मशीन जिसको मैं यूज करने वाली हूँ वैक्यूम सील करने के लिए. ये देखो इन पैकेट्स में मैं मसाले डाल के रखने वाली हूँ. ये देखो आप, हीट से एकदम सील हो गया, वैक्यूम पैक हो गया एकदम. लगभग हमारे सारे मसाले पैक हो गए हैं. सारे नहीं, कुछ मैंने जो डब्बों में भी डाले हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो देखो पैक होके इतने छोटे हो गए साइज में. अब मैं बनाऊंगी नूडल्स. हे गाइस, रात के 12 बज गए हैं. मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊं, बट इवान मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था. दिन के टाइम मुझे टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी व्लॉग रिकॉर्ड करने का, स्पेशली जो किचन वाला व्लॉग होता है जिसमें मेहनत लगती है वो वाला. अभी 12 बज गया है, इवान जस्ट सोया है 11:30 बजे. मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अभी दिखाऊं. लाइक आई रियलाइज कि जब तक आप कुछ चीजें सेक्रीफाइस नहीं करते हो आपका काम सफल नहीं होता है. ये तो मैंने सीख लिया आफ्टर स्टार्टिंग यूट्यूब. और एक और चीज है, ये सेशुआन नूडल्स, लाइक आई एम कॉलिंग इट सेशुआन नूडल्स बट आई डोंट नो वेयर दे आर फ्रॉम, बट ये ऑथेंटिक रेसिपी है और ये ओडिन को बहुत पसंद है. ओडिन के लिए जब भी मैं बनाती हूँ 5 मिनट में पूरे खत्म कर देता है, कितने भी बनाया हूँ मैंने. स्पाइसी है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्प्रिंग अनियंस लगेंगे, हमारे पास है नहीं बट गार्डन में लगे हुए हैं. जो भी है अभी मैं आटा बनाने वाली हूँ, फिर मैं स्प्रिंग अनियन तोड़ के लाऊंगी. ये जो रेसिपी है इसको आप सूखी भी बना सकते हो, इसको सूपी टाइप की भी बना सकते हो, दोनों में बहुत अच्छी लगती है. तो मैं ना ज्यादा नहीं बनाऊंगी, उतना ही बनाऊंगी जितना मैं खा पाऊँ. नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं ना, बस देखो मैं इतना सा आटा गूंद रही हूँ. ये पैन लेती हूँ आटा गूंदने के टाइम, हल्का सा बस नाम का नमक डालना है. अब मुझे आदत हो गई है चॉपस्टिक से आटा गूंदने की, अब मैं हाथ से गूंदूंगी इसको क्योंकि पानी मिक्स हो गया.
ये हार्ड सा लग रहा है। चाइना में क्या होता है ना, आटे को रख देते हैं 20-1 मिनट के लिए और वो अपने आप गूंदे हुए आटे जैसा हो जाता है। अब मैं इसको साइड में रखती हूँ और हम चलते हैं स्प्रिंग अनियंस तोड़ने के लिए। रात के 12 बजे गार्डन में इधर उधर घूम के बातें कर रही हूँ तो काफी है ये। देखो आप, चलते हैं हम वापस। सेशुआन वाली लाल मिर्च है ये, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हल्की हल्की गीली है, मैं इसको काट ही देती हूँ आई गैस। यहाँ पे गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। और इवान को भी पता नहीं घमोरिया वगैरह क्या क्या होने लग गई, तो वो भी अच्छे से सो नहीं पाता, उसको दिन के टाइम बहुत पसीना आता है। मेरे लिए 1 घंटा भी पूरे दिन में निकालना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो ना टिपिकल चाइनीज फैशन में पूरा काट के तैयार रख लेंगे और उसके बाद ही खाना बनाएंगे, क्योंकि चाइनीज कुकिंग बहुत फास्ट होती है अगर काटने का काम हो गया तो। ये जो हमने स्प्रिंग अनियंस तोड़े हैं, ये लीक्स है, ये लहसुन है जो मैं काटने वाली हूँ, इन सबको मैं काटने वाली हूँ। और ये थोड़ी सी खड़ी लाल मिर्च है और ये खड़े मसाले हैं जिसको तेल में तड़के जैसे मैं डालूंगी। सेशुआन पेपरकॉर्न्स है, स्टार अनीस बोलते हैं चक्री फूल। ये है सेसमी सीड का ऑयल, ये है विनेगर, व्हाइट विनेगर जो हमारे भी मिलता है। ये तिल है, ये बस सिंपल व्हाइट वाले तिल। तो हम काटना स्टार्ट करते हैं। लहसुन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ज्यादा पसंद है आपको तो ज्यादा डाल देना। मैंने 3 बड़े वाले लिए, इसको ना रफली चॉप कर दो पहले और उसके बाद फाइनली चॉप कर दो। अभी इन सबको ना एक एक करके एक बड़े से पतीले टच में डाल देंगे। तो ना मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि मेरे पास इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, बट आपके पास अगर कोई डोंगा जैसा होता है तो उसमें डाल सकते हो। ऐसे एक साइड में इसको काट के स्प्रिंग अनियन को यहाँ पे कभी भी पकाते नहीं है, कभी कुक नहीं करना, या तो एंड में डालना है या फिर इसको पकाना ही नहीं है बिल्कुल। इसको भी मैं काटने वाली हूँ। ओडिन भी काटता ही है, वो तो कैंची लेके काटता है इसको। लास्ट चीज, ये एक्चुअली मैंने कोरियन किमची बनाने के लिए खरीदी थी 4 साल पहले। इट स्टिल स्मेल्स ग्रेट, खराब नहीं हुई और इसमें बिल्कुल भी स्पाइसीनेस नहीं है इंडियन चिली के जैसे। इट्स काइंड ऑफ लाइक कश्मीरी लाल मिर्च। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसको, देखो एक्चुअल लाल मिर्च भी मैं थोड़ी सी डालूंगी, बहुत तीखी है ये, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ डाल दूंगी। सेसमी सीड्स यहाँ पे। अब होगी तेल बनाने की तैयारी। इसमें खूब सारा तेल डाल देना है क्योंकि इस टाइप के नूडल्स में तेल बहुत डलता है। ये मैं काट रही हूँ लीक, अब इसमें मैं ये डाल दूंगी। वाओ, ये हुई ना बात। नथिंग इज एज ग्रेट एज सेशुआन पेपरकॉर्न्स, मेरा फेवरेट मसाला बन गया है। तेल को एकदम गरम कर देना है। वाओ, क्या खुशबू आ रही है। अब इसको मैं डालूंगी अगर सारे मसाले कवर नहीं होते हैं तो इट डजंट मैटर। जैसे इसमें लाल मिर्च पूरी तरह कवर नहीं हुई है बट लहसुन में फ्लेवर आ गया है। और इसको ऐसे मिला देंगे हम। उसमें हम थोड़ा सा सेसमी ऑयल डालेंगे, ओके, थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, नमक थोड़ा सा और सोया सॉस थोड़ा सा डालना है। आई गेस जितनी नूडल की क्वांटिटी है उतना, जितना आपको खट्टा चाहिए उतना। देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट, यहाँ पे कोई भी मेजर करके नहीं डालता। देखो कलर कैसा आ गया है, कलर देखो आप कितना मस्त कलर आया है। एंड ऑयल विच इज स्विमिंग ऑन टॉप। अच्छा, अब हमारी नूडल बनाने की बारी आएगी। अब नूडल के लिए ना एक रोटी मैं बनाऊंगी, ज्यादा नहीं, और उसको बेलूंगी। थोड़ा सा और आटा ले लेती हूँ, मुझे भूख ज्यादा लगने लगी है ये सेशुआन पेपरकॉर्न की खुशबू से। कितना बड़ा लिया आटा मैंने, इसको बेल के इसको काटना है। ये जो नूडल्स है ना, ये जो मैंने स्पेसिफिकली जो रेसिपी बना रही हूँ उसके साथ चपटे वाले नूडल्स ही जाते हैं, तो यानी गोल वाले, पतले वाले नहीं। सूखा आटा ले रही हूँ मैं, इसको इंडियन बेलन से ही बेलने वाले, इसी पे हाथ बैठा हुआ है।
भाई मैदा की रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही लाइक स्ट्रेच होता है ना इसमें, तो लाइक वापस से छोटी हो जाती है रोटी कितना भी बेलो। हम यहाँ पे पानी गर्म कर लेंगे नूडल्स उबालने के लिए। मैं ऐसे आटा ऊपर से छिड़क दूंगी और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। देखो मैं ऐसे काट रही हूँ, वेरी इजी, ज्यादा लंबे होने जरूरी नहीं है। अभी उसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा, अगर ज्यादा लंबे होंगे ना तो उसको खोलने में बहुत टाइम लगता है। लुक सो फास्ट। इसको हम ऐसे खोल देंगे, ऐसे होने चाहिए। इसको आप ऐसे करो ना तो ये लंबे और हो जाते हैं। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है ना अच्छे से, तब तक इसको मैं वो करने वाली हूँ कद्दूकस। इसके अलावा आप काट भी सकते हो, इसको बड़ा बड़ा काट सकते हो, मेरे पास छोटा वाला ही अवेलेबल था। इसको है ना मैं यहाँ पे डाल लूंगी साइड में। तो ये रहे मेरे नूडल्स, इसको एकदम जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि चिपक ना जाए बिल्कुल भी। इसमें स्टार्च आ गया, ये जो व्हाइट कलर का है ना, तो इसको हमको साफ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। सीधा डायरेक्टली नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे लोग पसंद करते हैं नूडल्स एकदम क्लीन नूडल्स हो, बिल्कुल भी गाढ़ापन नहीं होना चाहिए नूडल्स में। दो तीन मिनट काफी है क्योंकि फ्रेश नूडल्स है तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ये देखो मैंने धो दिया इसको हल्के से, गाइस एकदम निरमा वाले सोप की धुलाई नहीं करनी, बस उसका स्टार्च निकालना है इसमें से और उसको फिर हम डालेंगे। इट्स स्टिल हॉट एक्चुअली, इसको हम डालेंगे हमारे चिली वाले ऑयल में। ये देखो आप, थोड़ा सा पानी जाता है तो जाने दो, एक्चुअली पानी आप डाल भी सकते हो, गर्म पानी थोड़ा सा। अभी बस हम इसको बैठ के खाने वाले हैं, सिर्फ आप और मैं। ये देखो सो इट्स अ वेरी स्पाइस हैवी नूडल। अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, काश मेरे पास एक लाइक ऐसा कंटेनर होता डोंगे जैसा। ओ मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, हमारे धनिए को आई लाइक टू एड इट ओडिन लाइक से। इसको तो ये है धनिया, इसको थोड़ा सा धो लेती हूँ। मैं ऐसे ही काट दूंगी बड़ा बड़ा, यहाँ पे ऐसे ही बड़ा बड़ा ही डाला जाता है, नॉट लाइक बारीक काट के कभी नहीं डालते धनिया को किसी भी चीज में। और इसकी डंडियां भी खाते हैं, यहाँ पे डंडियां नहीं निकाली जाती। अच्छे से कुकुम्बर और ये सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएं। अब हम इसको बैठ के खाने वाले हैं। छोटा वाला बाइट फर्स्ट, पता है दिस इज बेटर देन व्हाट वी बाय फ्रॉम द शॉप जो रेस्टोरेंट वगैरह होता है। तो अगर आप ये बना के किसी चाइनीज इंसान को खिलाओगे ना, फैन हो जाएगा वो, हो जाएगी। और ये स्पाइस गले में लगता है बाबा। ये देखो ऐसे मसाले पसंद करते हैं चाइनीज लोग, थोड़े दरदरे हो ना, एकदम फाइन पाउडर नहीं डालते हैं मोस्टली। में आपको कोई हरी सब्जी पसंद है तो डाल सकते हो, कोई नॉन वेज आइटम पसंद है लाइक मीट वगैरह, उसके स्लाइसेस काट के डाल सकते हो। ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपको पसंद आएगा ही आएगा, लाइक गारंटी है। तो देखो आप चॉपस्टिक का क्या फायदा है, जो कि आप लाइक नाइफ और फोर्क से नहीं कर सकते। चॉपस्टिक से आप चाहे तो खूब सारे नूडल्स, देखो मैं कितने सारे नूडल्स एक साथ उठा सकती हूँ, चाहूँ तो मैं आधी प्लेट एक साथ उठा सकती हूँ, चाहूँ तो मैं एक राइस का दाना भी उठा सकती हूँ। तो ओडिन ने ना मुझे एक चीज बताई थी कि चाइना में ये मानते हैं कि अगर आप चॉपस्टिक को दूर से पकड़ो, इसका मतलब है आपका जो लाइफ पार्टनर है आपको बहुत दूर वाला मिलेगा, लाइक आपके गांव वाला नहीं होगा या आपके शहर वाला नहीं होगा। और अगर पास से पकड़ो तो यानी सेम गांव में, तो ओडिन है ना जानबूझ के दूर से पकड़ता था, उसको चाहिए था कोई दूर का ही मिले। और मेरी भी आदत हमेशा दूर से पकड़ने की ही है। कल ओडिन के पापा आए हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि ओडिन के पापा कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आते। तो इट्स बिकॉज ही हैज अ डॉग हु इज वेरी डियर टू हिम, तो उसको छोड़ के वो कभी भी नहीं आते। अब जो मेरी मदर इन लॉ है वो वापस गांव चली गई है, तो ही कैन लीव द डॉग विद हर, जो उनका पेट है
और वो यहाँ पे आ सकते हैं, वो घूम सकते हैं कहीं भी, लेकिन वो कभी भी उसको अकेले या किसी और के साथ छोड़ के नहीं जाते। अगर आपको अपने एक किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेंबर को इम्प्रेस करना हो तो आप ये बना सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, सब्सक्राइब करना नहीं किया तो, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। गाइस आज के लिए इतना ही, रात के 2 बज गए हैं, बना के खा के और बीच बीच में मैं इवान के पास गई भी 2 बार उसको देखने के लिए, वो जग गया था, रो रहा था। मिलते हैं 1 वीक के अंदर। मच थैंक यू सो मच कि आपने 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा मेरे करा दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।